मरहबा फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी अपनी समीरा अजीज सऊदी मीडिया से, और मैं चेयरपर्सन हूं समीरा अजीज ग्रुप ऑफ कंपनीज की। ये है मेरे ईद के कपड़े, मेरे बच्चों ने मुझे गिफ्ट किए थे। भाई अब तो उल्टा ज़माना आ गया है, अब तो बच्चे ही माँ बाप को कपड़े गिफ्ट करते हैं। और आप मेरे स्नैपशॉट्स ले सकते हैं, इनमें से जो भी तस्वीर आपको पसंद आए। और मैं आपको सबसे पहले कहना चाहूँगी, आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। जनाब, तो ईद की ये खुशियाँ, ईद की ये छुट्टियाँ हमने मनाई थी मार्बल रिजॉर्ट में, शारजा में। फैमिली बॉन्डिंग का ये एक बहुत ही सुनहरी मौका था, इसलिए हमने लिया यहाँ पर एक विला। फैमिली हॉलीडेज के लिए ये एक परफेक्ट जगह है। और इस वक्त हम सब निकल रहे हैं शॉपिंग के लिए। हम दो, हमारे दो, हम मियाँ बीवी, दो बच्चे, हम नहीं चाहते हैं कि कोई और हमारे बीच में हो। तो हम अपने साथ किसी को भी नहीं लाते हैं, डोमेस्टिक वर्कर्स को भी नहीं लाते हैं। सब लोग अपने अपने काम खुद करते हैं, और ओकेजनली ये तब्दीली बहुत अच्छी लगती है। वैसे भी बुनियादी काम तो हाउसकीपिंग सर्विस वाले ही कर देते हैं, और हम यहाँ पर आए थे सिटी सेंटर में। ताकि आप लोग जानते हैं कि मेरी फुल एड एजेंसी है, तो ब्रांडिंग और इंटीरियर का काम जो है वो भी हम करते हैं। तो यहाँ मेरे लिए बड़ा अच्छा मौका था इनकी इंटीरियर डिज़ाइनिंग देखने का। तो मैंने फटाफट ये तस्वीरें खींच कर अपने ऑपरेशंस हेड को भेजना शुरू कर दी। वो बड़े खुश हुए, कहने लगे मैम यहाँ पर भी आप काम का सोच रही हैं, और वो भी मेरी तरह वर्कहोलिक हैं। और ये देखें ये मैं जायज़ा ले रही थी, मैंने अपने बेटे से कहा ज़रा बेटा एक वीडियो तो बनाओ, और ये चाय, इसके बगैर तो गुजारा नहीं है। तो सबसे पहले हम आए यहाँ पर चाय पीने के लिए फूड कोर्ट में, और उसके बाद अब हमें जाना था अपने लिए कुछ सामान लेने, खाने पीने की अशिया लेने के लिए। देखें जनाब, इसकी मैंने वीडियो इसीलिए ली थी ताकि अपने ऑपरेशन हेड को भेजूंगी, और ये सारे जितने भी स्टैंड्स नज़र आ रहे हैं और ये जितनी भी क्या नाम है, आप ये देख लें लैंप कितने प्यारे हैं, न्यू आइडिया। ये सारी चीज़ें मैंने कहा कि चलो आइडिया रहेगा अपने ऑपरेशन हेड को भेजने के लिए। मैंने यहाँ पर लेस के चिप्स, दूध खरीदना था, टी बैग्स लेने थे, और फिर शॉपिंग स्टार्ट हो गई जनाब। मैं आपको अपने बारे में बताऊं कि मैं इतनी ब्रांड ऑब्सेस्ड नहीं हूं। मुझे जो भी पसंद आता है मैं ले लेती हूं, चाहे वो ब्रांडेड हो या ना हो, आई नेवर केयर। और कुछ जूते वगैरह मुझे लेने थे, तो मैंने कहा चले यहाँ से देख लूँ। अब दिल नहीं चाहता कि हील पहनो, क्योंकि फटाफट ऑफिस में तो ऊपर नीचे काम होता है मेरे, क्योंकि काफ़ी फ्लोर्स का ऑफिस है। और यहाँ पर हम आए थे, मैंने कहा चलो थोड़ी सी सनग्लासेस वगैरह देखें। बच्चों को यहाँ से कुछ चीज़ें चाहिए थी, तो यहाँ से भी हमने कुछ शॉपिंग की। वैसे ये सब कुछ जद्दा में सेम अवेलेबल है, बस बात ये थी कि जब आए हो तो कुछ ना कुछ ले ही लो। जद्दा में ज़्यादातर टाइम का इशू रहता है, क्योंकि हम लोग बिज़ी होते हैं, स्केड्यूल बिज़ी होता है, तो ये हमारा फारिग टाइम था। तो यहाँ हमने अच्छी छान पटक कर ली। लेकिन जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा लेनी थी वो थी मेरी ये सेल्फ़ी स्टिक। ये मेरे हस्बैंड ने मुझे दिलाई ये सेल्फ़ी स्टिक, लेकर मुझे सच्ची मुची की बहुत खुशी हुई। और मैंने अपने हस्बैंड को ज़ोर से कहा थैंक यू। और जनाब अब हम आगे चले हैं, ये देखें आप, मैं सजावट जो यहाँ पर जितनी भी की गई है उन सब की वीडियोस लेने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थी, क्योंकि हमारा काम है। और मैं झटपट अपने ऑपरेशन सेट को ये सब भेज देती थी। और हम बेसिकली यहाँ पर आए थे फिल्म देखने, एज़ यू नो आई एम अ बॉलीवुड फ़ैन, आई एम अ फिल्म मेकर। मैं तो जनाब अगर फिल्में भी देखती हूँ ना, तो सीखने के लिए देखती हूँ, और हर एंगल से क्या कैमरा शॉट लिया है, क्यों लिया है, मैं बड़े गौर से देखती हूँ। तो चले जी पागलपंती 2, अब मैं आपको दूंगी इस फिल्म का रिव्यू। मुझे मर्द को तो जादू कौन दिखाएगा। टाइगर श्रॉफ और नवाजुद्दीन सिद्दीकी दोनों हैं मेरे पसंदीदा एक्टर, और साथ में थी ब्यूटीफुल तारा सुतारिया, स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 फिल्म। तो जनाब हीरोपंती से हीरोपंती 2 में बबलू के किरदार का कमबैक हुआ एज अ कंप्यूटर जीनियस। तो जनाब इस टैलेंट की वजह से बबलू को मौका मिलता है एक बहुत बड़े साइबर क्राइम करने वाले करेक्टर लैला के साथ, जो कि ना मेल है ना फीमेल है बल्कि शीमेल है। और ये किरदार निभाया है नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने, और वाह जान डाल दी नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने शीमेल के किरदार में। और लैला की चहेती बहन है इनाया, जिनको मोहब्बत हो गई है बबलू से। हम
फिल्म के डायलॉग्स मुझे बहुत अच्छे लगे। एज यू नो, मैं खुद भी एक राइटर हूँ। रजत अरोड़ा ने एज अ राइटर अच्छा काम किया है। स्टोरी साजिद नडियावाला की थी और प्रोड्यूस भी साजिद नडियावाला ने ही की थी। और इस फिल्म का बजट था 70 करोड़ इंडियन रुपीस। कभी दोस्तों को धोखा और दुश्मनों को मौका नहीं देता। वेलकम टू द फैमिली। फिल्म का म्यूजिक कंपोज किया नाना दरदयान, एआर रहमान और लिरिक्स लिखे थे महबूब ने। मुझे तमाम गानों में से जिस सॉन्ग ने थोड़ा अट्रैक्ट किया वो था विसल बजा, जिसमें फिल्म हीरो जो जैकी श्रॉफ की थी उसकी जो खास बांसुरी की ट्यून थी उसको लेकर जैकी श्रॉफ को ट्रिब्यूट किया गया था। और वाकई में ऐसा लगा जैसे कि जैकी श्रॉफ ही आ गया, क्योंकि टाइगर श्रॉफ अपने फादर जैकी श्रॉफ से बहुत ज़्यादा मिलते हैं। सिनेमाटोग्राफर कबीर लाल थे। वेल, गुड जॉब बाय हिम। से दो कदम दूर रहो और शातिर लोगों से दो कदम आगे। फिल्म के डायरेक्टर हैं अहमद खान, जिनको हमने बचपन में एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट भी खूब इंजॉय किया है। और फिल्म का एक्शन, वाव, अगर टाइगर श्रॉफ हो और एक्शन नहीं हो, लेकिन इस दफ़ा फिल्म का एक्शन कुछ अलग है। फिल्म का जो विलेन है नवाजुद्दीन सिद्दीकी, वो तो है एक जादूगर, सो एक्शन भी जादू जादू वाला है, ट्रिकी। अच्छी बात है, कुछ चेंज, कुछ नया। इनफैक्ट हर फिल्म में हम माचो मैन के मसल्स और फाइटिंग देखते हैं, लेकिन अगर कुछ पजल्स हो, कुछ कंफ्यूजन हो, तो ये डेफिनेटली एंटरटेनिंग होगा। पंडित नहीं बुलवाया। पंडित जी की क्या जरूरत है, मैं हूं ना, ये लो लड्डू। और क्या चाहिए, अंगूठी? ये लो अंगूठी। अबे मजीशियन है तू, चीटर समझा? ए बबलू डब्लू, मेरे जादू को कुछ मत बोलना, बता रहा हूँ मैं। अबे सही तो कह रहा, फ्रॉड है तू, फ्रॉड। इतने सालों के बाद अमृता सिंह को एक्टिंग करते हुए देखकर अच्छा लगा। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने अपने करेक्टर में रहते हुए बहुत अच्छा परफॉर्म किया और एंटरटेन भी बहुत किया। मैं तो उन्हें इसी तरह के मिलते जुलते करेक्टर में मजीद थोड़ी वैरायटी के साथ और भी फिल्मों में देखना जरूर पसंद करूंगी। अमिताभ बच्चन एज अ लेजेंडरी स्टार, फिल्म में उनके ना होने के बावजूद भी उनके मशहूर सीन का होना मुझे तो बहुत अच्छा लगा। अगर आप फिल्मों के जो रिव्यू लोग करते हैं उस पर जाएंगे तो आप ज़्यादातर देखेंगे कि हर कोई ज़्यादातर नेगेटिव रिव्यू ही लेता है। वो इसलिए नेगेटिव रिव्यू करते हैं क्योंकि इससे उनको व्यूज़ मिलते हैं। आई डोंट नो, दुनिया इतनी नेगेटिव क्यों हो गई है। एक फिल्म बहुत मेहनत से बनती है और एंटरटेनमेंट के लिए बनती है। आप एंटरटेनमेंट होए, बस पैसा वसूल। तो हीरोपंती भी पैसा वसूल फिल्म है। मुझे फिल्म को देख के मज़ा आया, मैंने इंजॉय किया, मेरा टाइम अच्छा पास हुआ, मैं खुश होकर उठी। असली हीरोपंती लोगों से जीतने में नहीं, लोगों को जीतने में। और ये हीरोपंती तुझे आती नहीं, मेरी जाती नहीं। जनाब, आप ये जो रिव्यू लोग करते हैं उस पर ना जाइए, अपनी अकल लड़ाइए। और आपको पसंद आती है तो बस सब गुड है। वैसे भी पसंद अपनी अपनी, तो मुझे तो हीरोपंती 2 पसंद आई। मैं YouTube रिव्यूज़ पर बिल्कुल नहीं जाती, मैं अपनी पसंद को अहमियत देती हूँ। आप भी इंतखाब कीजिए कि आपको क्या पसंद है। नेगेटिव रिव्यूज सुन जरूर ले, मगर एक कान से सुने और दूसरे कान से उड़ा दें, बिल्कुल मेरी तरह। टाइगर श्रॉफ की बात अगर करें तो टाइगर श्रॉफ वो हीरो है जो अपने एक्शन सीन्स खुद करता है, और अगर वो कई लोगों से टकरा जाए फिल्म में तो वो सीन कन्विंसिंग लगता है कि भाई ये माचो मैन है, मुरम्मत तो कर ही सकता है कई लोगों की एक साथ। तो जनाब, एंटरटेनमेंट है, और एंटरटेनमेंट जो आपको दे रहे हैं उनकी कदर करना सीखिए। और जहाँ तक नवाजुद्दीन सिद्दीकी की बात है तो उनकी परफॉर्मेंस किसी अंधे को ही पसंद नहीं होगी। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं ये व्लॉग्स करती हूँ अपनी खुशी के लिए। मुझे अच्छा लगता है आप लोगों से बातें करना और आप लोगों को न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन देना। जर्नलिस्ट हूँ तो इन्फॉर्मेशन देना तो मेरी सरिश्ते में शामिल है। इसीलिए काम में बिजी होने के बावजूद मैं किसी ना किसी तरह व्लॉग्स के लिए टाइम निकाल ही लेती हूँ।
लेट नाइट हम वापस पहुंचे मार्बेला रिजॉर्ट, शहर के बीचों बीच हरियाली, पुरसकून, सरसब्ज बिल्डिंगों के दरमियान एक प्यारी सी जगह, बहुत अच्छा लगा। और सुबह हमें जल्दी उठना था और बस इस टाइम पर इतनी थकान के बाद जूते मोजे उतारे और बस दिल चाह धड़ाम से बेड पर सो जाएं। लेकिन ये क्या इतने सारे मैसेजेस ईद मुबारक के, और मैसेजेस तो वसूल करने ही थे और हमने भी भेजने थे। टेक्नोलॉजी ने सब कुछ कितना आसान कर दिया है, आप कनेक्टेड रह सकते हैं अपने आप को बॉदर किए बगैर। देखिए टू बी ऑनेस्ट, आपने मुझे लाइक करना चाहिए, सब्सक्राइब करना चाहिए, कमेंट ज़रूर करना चाहिए, बेल आइकन दबा देना चाहिए और मेरी तमाम वीडियोस को शेयर भी ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि मैं आपके लिए लाती हूँ न्यूज़, व्यूज़, इंफॉर्मेशन, लाइफस्टाइल, कितना कुछ एंटरटेनमेंट ही एंटरटेनमेंट, तो इतना तो हक मेरा बनता ही है ना। मेरे दुबई व्लॉग्स का सिलसिला अभी जारी है, मैं जल्द ही दोबारा हाजिर होंगी नए दुबई व्लॉग के साथ। टिल देन मा सलामा, बाय बाय।